Hello everyone. Today I have a very special guest among us, Ms. Kajal, who has cleared this time's management UGC NET exam. So I welcome her and congratulate her on her success. Congratulations, Kajal, and welcome to this interview. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right. So my first question to you would be, what are the courses that you pursued before clearing this exam? I completed my graduation from Arya Girls College affiliated to Kurukshetra University and my MBA in finance from Kurukshetra University. Then I did my job for 2 years and with that I started my preparation for NET. That is very nice. And for how long you have been preparing for this exam? Ma'am, I am preparing from last 2 years. Oh, that is really nice. And finally you have this success to enjoy. Congratulations once again. Thank you so much, ma'am. अच्छा तो नेक्स्ट बात ये करते हैं कि आपने क्या बुक्स रेफर करी या आपने क्या स्टडी मटेरियल को रेफर किया बिफोर फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम. बेसिकली मैम जैसे कि कंसेप्ट तो हमारे क्लियर ही होते हैं हमारे ग्रेजुएशन एंड पीजी में. तो बेसिकली जो हमारी बेसिक बुक्स होती है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो मैंने तो अपने लिए मतलब अपने यूजी और पीजी दोनों बुक्स रेफर करी थी. बर्दर जो हमारे नोट्स पीजी के प्रिपेयर किए जाते हैं अगर आप उनको टाइमली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम्स के समय समय दिक्कत नहीं आएगी आनी चाहिए. बिकॉज मैंने तो यही किया था कि मुझे इस समय बार बार नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने कम नोट्स मतलब मुझे बनाने पड़े क्योंकि मैंने अपने फर्दर पीजी के नोट्स ही यूज किए थे. और उसके अलावा तो हाँ जी उसके अलावा आपके पास राइटर्स की मार्केटिंग की काफी अलग अलग बुक्स आ जाती हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग का बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसमें बहुत वास्ट एरिया होता है जिसे मार्केटिंग आपको पढ़नी पड़ती है. तो फिलिप कोटलर आई थिंक बेस्ट बुक है. राइट राइट. सो जैसे आपने कहा काजल दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो एक वास्ट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए क्या रूटीन कोई फॉलो करना चाहिए किसी को या फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो कवर अप हो जाए एंड यू आर एबल टू फाइनली क्रैक दिस एग्जाम. बेसिकली मैम जैसे कि आपके कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप उसको बार बार अलग अलग बुक्स के पीछे मत जाइए. जहां से आपने उसको लर्न किया हुआ है जहां से आपने उसको आपको अंडरस्टैंड है आप वहीं से पढ़ लीजिए. उसके अलावा अगर आपको कोई कंसेप्ट ऐसा है जो न्यूली है हमें नहीं समझ आ रहा बेसिक मेरी एडवाइस है कि मतलब हम उससे बेटर है कि अगर हमें उसे बुक से भी कई बार ऐसा होता है हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने हमेशा किया ही है कि मैंने तो सर से ही पूछा है. मैं डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ कि सर ये कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं है तो आप मुझे यहाँ से बता दीजिए. फिर वो मुझे बता क्लियर कर देते थे और इजी लैंग्वेज में फर्दर मुझे बुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ जाती थी उसके उस समय में. राइट राइट राइट. सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे थे एंड यू आर सेइंग कि शिवम सर यूज टू सॉल्व योर डाउट्स फ्रॉम देयर ओनली. यस मैम यस. तो ये एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जब आपको पता है कि यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन दिस सब्जेक्ट बट यू हैव टू गो अनदर माइल तो आप उसके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए बजाय कि डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करने के. जी जी राइट बिल्कुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सिंस वी आर इन अ कोविड पैंडेमिक टाइम देन there is a lot of negativity around us. So what are the difficulties that you faced before preparing for this exam and how did you cope up with these difficulties? मैं बेसिकली जो डिफिकल्टीज है वो मेरे अराउंड मतलब मेरे एरिया में काफी मतलब जब करना था मुझे तो बहुत ज्यादा आई क्योंकि मेरे पास जो था फैमिली इशू भी काफी हुआ उसके बाद थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है अपने को टाइम देना क्योंकि बहुत जरूरी होता है. कई बार ऐसा होता है कि अब मुझे क्या था मैं जॉब भी कर रही हूँ अपनी खुद की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ फर्दर मेरा पैशन है कि मुझे ट्यूशन क्लासेस देनी ही देनी है उसे मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि कहते हैं सीखना बहुत जरूरी होता है और जब तक आप उनके टच में रहते तो आपको मौका मिलता ही रहता है. तो इसलिए वो मैंने साथ साथ किया लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है तो शायद मुझे डिसाइड करना था कि मैंने अब फाइनली मैंने अब कुछ मंथ्स पहले मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्दर इसके लिए ही प्रिपेयर करूंगी क्योंकि मैंने अपना एग्जाम जब दिया तो फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था तो मेरे फादर मतलब मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी फिर मुझे बहुत मैं मतलब दिक्कत आई क्योंकि मैंने इतना मेहनत करने में मैं सक्सेस नहीं हुई तो वो चीज ज्यादा फील होती है. तो मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया अभी तो ये फर्स्ट टाइम था कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम होगा आप इसके पीछे मत रहो क्योंकि हम तो जस्ट रिस्पेक्ट ही करेंगे उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती. तो मतलब मुझे उनकी बात अभी तक ध्यान में है. फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं अब करते हैं. अब फिर
मदर थे, ब्रदर थे, तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि नहीं अब करना है तो करना ही है। तो फिर मेरे अंदर भी वही मोटिवेशन आ गई कि अब करना है तो हर हालत में करना, नहीं तो करना ही नहीं है। You have been a warrior in this situation. आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया when they needed you, and आपने अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखा. You have been a warrior and a great inspiration for so many people. Congratulations once again and thank you so much for that answer. Thank you, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि आपने क्या मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, या कितने पास्ट ईयर्स को स्टडी किया? क्योंकि काफी बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं, मैम हम कितने साल के पास्ट ईयर्स कर जाएं, या हम कितने मॉक टेस्ट देके जाएं कि वो इनफ रहे? एटलीस्ट आपको कम से कम, वैसे तो मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा दीजिए उतने ही ज्यादा बेटर रहते हैं। मैंने जो अपने एरिया में दिए थे, तो मैंने अपने, मुझे याद है कि मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए थे अनुज जिंदल से। काफी अच्छे मॉक टेस्ट थे, इनोवेटिव क्वेश्चंस थे, कभी मतलब कहीं मिले नहीं, कहीं हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आ रहा था जो कभी पढ़ा तो कहीं कुछ ऐसा था कि शायद ये मेरे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको मैंने नोट डाउन किया। और उसके बाद अगर आप पास्ट ईयर लगाए तो आजकल क्वेश्चंस तो कोई खैर रिपीट नहीं हो रहे, वो पहले के टाइम था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहा जाता था हर 3 साल बाद पेपर रिपीट होता है, बट अब वो नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो पास्ट ईयर अगर आप लगा रहे तो आप लास्ट 3 to 4 years के लगा लीजिए, उससे ज्यादा पुराने पे मत जाइए। तो मैंने भी 3 या 4 पास्ट ईयर्स लगाए थे, बाकी फर्दर मैंने मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करे थे ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे बच्चों का एक ये सुपरस्टिशन कह लीजिए, या फिर उनको एक सीनियर्स भी पास ऑन कर देते हैं कि पास्ट ईयर्स करके चले जाओ तो आपका क्लियर हो जाए एग्जाम, दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन पास्ट ईयर्स। तो एग्जैक्टली वही हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि पास्ट ईयर्स पे रिलाई करके जाना वुड नॉट बी वेरी कंड्यूसिव इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। जी मैम, बिल्कुल। सो my लास्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट यू कि अब आप क्या करना चाहते हैं, कि अब आपने नाउ दैट यू हैव क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? कि PhD जाना है या टीचिंग जॉब में जाना है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मतलब बेसिकली वैसे फर्दा अभी तो मैं चाहूंगी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, लेकिन उसके बाद अगर मुझे मौका मिल रहा है, वैसे तो चांस मिलना ही चाहिए क्योंकि अब इतना करा है, तो अगर वहां उससे आगे नहीं गए तो बहुत गलत हो जाएगा। तो वहां मैं उसके साथ साथ मैं PhD जरूर करूंगी, बिल्कुल, क्योंकि उसके मुझे एक मेरा ड्रीम है बचपन से कि मतलब नाम के आगे डॉक्टर जरूर लिखना है। नाम होना चाहिए पूरा डॉक्टर के साथ, एक इमेज होती है फिर उसकी, हाँ भाई कौन जा रहा है पता चलता है अलग से, हाँ ये है। तो इसलिए PhD तो जरूर करनी है, बट फर्दर अभी फिलहाल के लिए मैं जॉब को प्रेफर करूंगी। राइट राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको चाहिए होगा एडमिशन आपको जरूर मिलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स, कि उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, जहां से आपको अपना कंसेप्ट क्लियर है किसी दूसरे के पीछे मत भागिए कि शायद वो सही बता रहा है मेरा गलत हो सकता है, ऐसा मत करिए, जो आपके माइंड में है वो रखिए। दूसरा, नेगेटिविटी हमेशा दूर रखिए कि आप किसी से कम है ये कभी मत सोचिए। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपके एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट ऐसा है कि जहाँ पे हमें मतलब फोकस करने के लिए कम कहेंगे, आपको आपके फोकस से डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। वो कहेंगे ये नहीं ये कर लो, तुम क्या कर रहे हो ये तो बेकार है। आपको ये भी कहेंगे अरे आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, आपको जो जॉब मिले वही कर लो। वो ऐसा होता है कि कई बार माइंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर्सन भी बहुत इरिटेट हो जाता है, तो उस केस में हम कई बार सोचते नहीं करना चाहिए, तो उस केस में बिल्कुल मत जाइए। दुनिया का काम है तो बोलना, वो तो बोलती और चली जाती है। बाद में जब हम यही चीज कर लेते हैं, हम अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, और फिर जब उनका मुंह बंद करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट थिंग हो जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि बेसिकली नेगेटिविटी से तो बिल्कुल, और दूसरी बात लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये मत सोचिए कि शायद अब हमारी एज नहीं है या हम अब नहीं कर सकते, हमें हर लेवल पे सीखते रहना चाहिए, चाहे वो हम अपने छोटों से सीख रहे हैं चाहे हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं। सीखने का काम तो पूरी जिंदगी चलता ही रहता है, और सबसे बेस्ट थिंग ये लर्निंग की सीखते ही रहना चाहिए हमें। That is a great advice, Kajal. I'm sure you are an inspiration for so many people. और आपका आंसर सुन के बहुत सारे और लोग मोटिवेट हुए होंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और आपकी स्ट्रैटेजी को अगर वो फॉलो करेंगे तो दे वुड बी श्योरली एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट आंसर एंड टेकिंग दिस इंटरव्यू।
I can congratulate you once again. Thank you and have a very nice day. Thank you, ma'am. Thank you.